हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के मैथ के प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है, वन नंबर में क्या निम्न राशियाँ समानुपात में है? ए में है 15, दिया हुआ है 45, 40 और 120। तो इसे हमें बताना है कि ये समानुपात में है या नहीं। तो इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, समानुपात तो हम पढ़ चुके हैं। समानुपात हम किसे कहते हैं? जैसे अगर हम दो अनुपात को जब हम बराबर करते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो पहले है 15 45, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, ये जो है अनुपात में है, तो लिखेंगे हम 15 अनुपात 45। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/45। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1:3। अब हम इसका देखते हैं 40 और 120, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये राशियां जो हैं ये समानुपात में हो जाएगी। फिर है 40 और 120, तो लिखते हैं हम 40 अनुपात 120, 40/120 करेंगे। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो गया है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसमें भी आप देख सकते हैं 1/3, इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम है, तो यहाँ पे जो है स्पेस कम है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, आप जब बनाइएगा कॉपी में तो आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो देखिए ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1:3 = 1:3। तो ये दोनों बराबर अगर है तो 15 45 40 और 120, ये चारों जो है ये समानुपात में होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 15 45 40 एंड 120। समानुपात में है। देखिए सेकंड नंबर का हम सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ सेकंड बी में है 33 121 9 96। तो इसको भी वैसे हम करेंगे 33 अनुपात 121 और 9 अनुपात 96। तो इसको हमने लिख देना है इस टाइप से, फिर 33 अनुपात 121, तो 33/119 कर दिए हैं और इसको डिवाइड किए हैं 11 से किए हैं, 11 के पहाड़ा में 33 3 बार में, और 11 के पहाड़ा में 121 जो आता है वो आता है 11 बार में। तो 3/11 हुआ बराबर 3:11। तो इसका आया तो इसका भी 3:11 ही आना चाहिए, तभी वो समानुपात में होगा। फिर 9:96 है, तो 9/96 किए हैं, तो इसको हम काटे 3 से 3 3 9, और 3 से अगर हम काटेंगे तो 96 आएगा 32 बार में। तो 3/32 हुआ 3:32। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3:11 है और यहाँ पे 3:32, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूँकि, ये जो है चूँकि का निशान है। चूँकि हम कैसे डालते हैं, जैसे आप दो बिंदु ऊपर डालिएगा और एक नीचे, इसको हम चूँकि कहते हैं। और इसलिए का होता है दो बिंदु डालिएगा फिर एक बिंदु ऊपर, तो ये इसलिए का हो गया। तो चूँकि लिखे हैं 3:11 बराबर नहीं है 3:32 के, और ये जो है बराबर नहीं का साइन है। इस टाइप से बराबर आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बराबर नहीं लिखना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33 121 9 96 समानुपात में नहीं है। तो इसका भी हम और करके लिख देते हैं, जैसे ये क्या है 15:45, तो 15:45 और 40:20, यानी कि हम ये दोनों में तुलना कर दिए, तो आप इसको लिख लीजिएगा फिर इस टाइप से बना लीजिएगा। सी नंबर में 24 28 36 48, तो यहाँ पे लिखे हैं 24:28 और 36:48। तो 24:28 पहले हम ये दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को बट्टे में लिखे हैं, इसको काटे हैं हम 4 से, 4 के पारा में 24 6 बार में, और 4 के पारा में 28 7 बार में, तो 6/7, इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, 6:7। उसके बाद दूसरा था 36:48, तो 36/48 किए हैं, और इसको हम काटे हैं 12 से, 12 तिया 36 12 चौके 48, तो 3/4। इसमें आप देख सकते हैं एक का आया था 6:7 और दूसरा का है 3:4, ये दोनों क्या बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम लिखे हैं 24 28 36 48 समानुपात में नहीं है।
डी नंबर में है 32, 48, 70 और 210। तो इसको भी हम वैसे किए हैं 32:48 और 70:210। तो 32:48 किए हैं तो 32/48 लिख देना है आपको, और ये हम डिवाइड किए हैं 16 से, 16 × 32 = 48। तो 2:3 आया और 70:210। इसका हम इसको हम डिवाइड किए हैं 70 से ही कर दिए हैं, 70 × 70, 70 + 210 तो 1:3। इसमें भी आप देख सकते हैं ये अलग ये अलग, यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं 2:3 बराबर नहीं है 1:3 के, तो इसलिए होगा 32, 48, 70, 210 समानुपात में नहीं है। ई नंबर में 4, 6, 8, 12। तो 4:6 और 8:12, यानी पहले इन दोनों का तुलना करना है फिर इन दोनों का। तो 4:6, 4/6, तो इसको हम 2 से किए हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2:3 हो गया और 8:12। तो 8/12 इसको हम 4 से डिवाइड किए हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2:3। इसमें आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखें चूँकि 2:3 बराबर 2:3, आपको इस साइड वाला लिखना है, और 4, 6, 8, 12 समानुपात में है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। एफ नंबर में 6, 8, 12, 16। तो 6:8 और 12:16। तो 6:8 में किया 6/8, तो इसको हम काटे हैं 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3:4 आ गया बराबर में, और 12:16 तो इसको भी क्या किए हैं 4 से काटे हैं, 4 × 12 = 4, 4 × 16 3:4। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखें चूँकि 3:4 बराबर 3:4, इसलिए 6, 8, 12, 16 समानुपात में हैं। तो आई होप कि आपको वन नंबर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। टू नंबर में निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए, असत्य को सत्य बनाइए। तो इसमें दिया है 16:24 समानुपात। ये क्या है समानुपात का चिन्ह है, ये आपको ध्यान में रखना। समानुपात यानी चार बिंदु जो होता है इस टाइप से समानुपात में दिया जाता है, 2 ऊपर 2 नीचे। और समानुपात को इंग्लिश में जो कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोग को, इंग्लिश में भी आप लोग को याद रखना है PROPORTION। प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 16:24 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16/24। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16/24। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से करते हैं या फिर 8 से करते हैं, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो 2:3 ये हो गया। अब हम करते हैं इसको 20:30 को, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 20/30। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 2/3 बचा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2:3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जो है बराबर में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2:3 बराबर 2:3। तो ये दोनों क्या है बराबर में है। तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसलिए 16:24 ये समानुपात है 20:30 ये हो जाएगा सत्य। बी नंबर में है 21:6 = 35:10। तो इसको हम क्या किए हैं 21:6 को 21/6 इसको हम काटे हैं 3 से, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6। तो इसका 7:2 आया और यहाँ 35/10 को किए हैं, इसको काटे हैं हम 5 से, 5 × 7 = 35, यहाँ 7 है ये और 5 × 2 = 10। तो इसका है 7:2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों भी क्या है बराबर है। तो लिखे हैं चूँकि 7:2 बराबर 7:2, तो इसलिए ये इसलिए का निशान है, 21:6 समानुपात 35:10 ये क्या है सत्य हो गया। सी नंबर में है 12:18 = 28:12। तो 12/18 किए हैं, इसको हम काटते हैं 6 से, 6 × 12 = 6 × 18, तो 2:3 हो गया और 28/12। तो इसको हम डिवाइड किए हैं 4 से, 4 × 7 = 28, 4 × 12 = 7:3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम लिखे हैं 2:3 बराबर नहीं है 7:3 के, ये बराबर नहीं का निशान है। तो लिखें इसलिए 12:18 = 28:12 असत्य, यानी कि ये गलत है। डी नंबर में 8:9 = 24:27। तो 8/9 किए हैं, ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 8:9 वैसे लिख दिए हैं। फिर है 24/7, यानी 24:7 को सॉल्व किए हैं, तो इसको हम डिवाइड किए हैं 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। तो 8:9, तो इनको भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं 8:9 बराबर 8:9, तो लिखे हैं इसलिए 8:9 समानुपात 24:27 ये सत्य है। ई नंबर में है 5.2:3.9। ये कुछ नहीं है, स्टेप्स दे दिए हैं हम।
3.9 समानुपात 3:4। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले हम लिख दिए हैं 5.2/3.9, पहले इसको हम बट्टे में कर देंगे और इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो, और पॉइंट हम उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक अंक आएगा, एक अंक के बदले 10, और फिर यहाँ पे पुनः निशान देंगे और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके बदला ऊपर जाएगा 10, यानी पॉइंट के बदला 1 और एक अंक के बदला 10, तो ये 10 10 कट गया। इसको भी हम काट देते हैं, इसको हम काटते हैं 13 से, 13 3 39, 13 4 52, तो 4/3 मतलब कि 4:3 हो गया, और ये वाला 3:4 है, 3:4। तो देखिए ये तो आपको डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। जैसे इसको हम 3/4 लिखते हैं तो ये कटेगा नहीं, ये क्या होगा 3:4 ही रहेगा। तो हम इसको ये कर देते हैं, इसको आपको लिखना है 3/4 = 3:4। तो देखिए ये 4:3 है, ये 3:4 है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4:3 बराबर नहीं है 3:4, तो इसलिए 5:2/5.2/3.9 समानुपात 3:4, ये हो जाएगा असत्य। एफ नंबर में है 0.9:0.36 समानुपात 10:4, तो इसको भी हम क्या किए हैं 0.9/0.36 कर दिए। इसको भी वैसे करेंगे, पहले हम गुणा का निशान देते हैं, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप कोई भी अंक का पॉइंट उड़ाते हैं तो उसके बदला 1 आता है, और यहाँ पर आपको देखना है कितना अंक है, 1 2 2 अंक है, तो हम 2 0 लगाएंगे। यहाँ हम 10 क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 ही अंक था। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं 9 * 9 9 * 36, फिर 2 * 2 = 4 2 * 5 = 10, तो इसका आया 5/2 = 5:2। अब है 10:4, 10:4 को हम कैसे लिखेंगे, 10/4, 10/4, तो इसको हम करते हैं 2 * 2 = 4 2 * 5 = 10, तो ये भी आया 5/2 = 5:2। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, चूँकि 5:2 = 5:2, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसलिए 0.9:0.36 समानुपात 10:4, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 3 नंबर में है सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए, गलत को सही बनाइए। ए में है 40 व्यक्ति = 200 व्यक्ति = 15 रुपया = 75 रुपया। तो इसमें हमें क्या करना है, 40 और 200 का अनुपात निकालेंगे हम, फिर 15 और 75 का अनुपात निकालेंगे। अगर ये दोनों अनुपात यानी समान बराबर आ गया तो वो क्या होगा, सही होगा, सही का टिक लगा देंगे। तो इसका निकालें 40 * 200, तो 40/200 हम करेंगे, देखिए यहाँ 0 0 कट गया, और इसको हम काटेंगे 4 * 4 = 4 4 * 5 = 20, तो कितना है 1/5, तो 1/5 यहाँ हम लिख दिए बराबर 1:5, तो ये तो आ गया है इसका 1:5। अब हम 15 और 75 का देखते हैं, 15:75, 15/75 होगा, तो इसको हम ऐसे काटते हैं 15 * 15 15 * 5 = 75, तो देखिए 1/5 = 1:5, तो ये दोनों क्या आया है, बराबर आया है। तो हम लिखेंगे चूँकि 1:5 = 1:5, तो लिखेंगे इसलिए 40 व्यक्ति = 20 व्यक्ति = 15 रुपया = 75 रुपया, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। बी नंबर में 7.5 लीटर = 15 लीटर = 5 किलोग्राम = 10 किलोग्राम। तो 7.5 * 15 लिख दिए हैं, और हम 7.5/15 किए हैं, तो देखिए इसका अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो उसके बदला आएगा 1, यानी अगर आप पॉइंट उड़ाएंगे तो उसके बदला 1 आएगा, और यहाँ 1 अंक है तो 10 लगा देंगे, तो ये 75 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 15 * 15 = 15 15 * 5 = 75, फिर 5 * 5 = 5 5 * 2 = 10, तो इसका आया 1/2, इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:2। अब हम 5 किग्रा और 10 किग्रा का लेंगे, तो 5:10 लिखेंगे, 5/10, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 5 * 5 5 * 2 = 10, तो देखिए 1:2, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे हम चूँकि 1:2 = 1:2, इसलिए 7:5 यहाँ पे जो है
यहाँ सिर्फ दशमलव या अनुपात नहीं है, लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 केजी अनुपात 10 केजी, तो ये क्या है, बराबर है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। सी नंबर में है 99 किग्रा, मतलब 99 केजी अनुपात 15 केजी, किग्रा को आप यहाँ पे केजी भी लिख सकते हैं, बराबर 44 रुपया अनुपात 20 रुपया, तो 99 अनुपात 45 की है, 99/45, तो इसको हम काटे हैं 5 से, सॉरी इसको हम काटे हैं 9 से, तो देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11/99 होता है और 9 पंचे 45 होता है, तो 11/5 हुआ, 11/5। फिर है 44/20, यानी कि ये दोनों को हम लिए हैं 44/20, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम करते हैं 4 से, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 11 चौके 44 हो जाएगा, तो 11/5 आया, तो इसको हम लिखेंगे 11/5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूंकि 11/5 = 11/5, इसलिए 99 किग्रा अनुपात 45 किग्रा बराबर 44 रुपया अनुपात 20 रुपया, तो ये क्या होगा, ये भी सत्य हो जाएगा, यानी कि ये सही है, इसमें आपको सही का निशान लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर में है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड, तो इनको भी हम इसी टाइप से सॉल्व किए हैं। तो देखिए 32 मिनट और 64 मिनट, तो यहाँ पर लिख दिए 32 अनुपात 64 बराबर हो जाएगा 32/64, तो इसको हम डिवाइड किए हैं 32 से, 32 एकम 32, 32 दूना 64, तो 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड, तो 6/12, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2 1/2, तो ये दोनों भी आप देख रहे हैं बराबर है, तो लिखे हैं हम चूँकि 1/2 = 1/2, इसीलिए 32 मिनट अनुपात 64 मिनट बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड, ये भी सही हो जाएगा। ई नंबर में 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे, तो इसको किए हैं 45/60, यानी कि हम ये दोनों को लिए हैं 45/7, इसको हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 * 3 = 45 हो जाएगा, 15 * 4 = 60 हो जाएगा, 3/4 मतलब कि 3/4, और ये है 12/15, तो 12/15 इसको हम करते हैं, इसको भी 3 से करते हैं, 3 * 4 = 12, 3 * 5 = 15, 4/5 = 4/5, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3/4 है, ये 4/5 है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं इस चूँकि ये चूँकि का निशान है, चूँकि 3/4 बराबर नहीं है 4/5 के, तो 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटा, घंटा को हम शॉर्ट में एच लिखे, यानी H O U R, आवर मीन्स घंटा होता है, तो उसको हम घंटा को शॉर्ट में लिखे हैं H/15 घंटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं, यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए, तो इसे पहले हमें चेक करना होगा, जैसे दिया गया है ए में 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपया अनुपात 160 रुपया, तो देखिए ये जो है आपका सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तभी हमारा सही से अनुपात निकलेगा, इसको आपको चेंज करना ही होगा, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो आपको क्या करना है, 1 मीटर को 100 से अगर आप गुना कर दीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 1 * 100 = 100 सेंटीमीटर, इसे आप चाहे तो इस साइड में भी लिख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों को लिए हैं, ये 1 मीटर था ना, तो ये इसको हम सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, तो देखिए ये 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 25/100 किए हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 25 एकम 25, 25 * 4 = 100, तो 1/4 = 1/4, और ये कितना 40 रुपया 160 रुपया, ये दोनों तो रुपया में है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 40/160 = 40/160, तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 = 16, तो 1/4 = 1/4, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, चूँकि 1/4 = 1/4, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए अनुपात समानुपात बनाते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता ये और ये, तो ये समानुपात नहीं बनाते, इसमें और क्या कह रहा था, मध्य पद और चरम पद, तो मध्य पद हो गया बीच वाला को हम मध्य पद होगा, जैसे 1 मीटर 40 रुपया, और चरम पद होगा ये 25 और ये 160, यानी फर्स्ट और लास्ट,
तो यहाँ पे हम लिखे मध्य पद बराबर 1 मीटर 40 रुपया और चरम पद हो जाएगा 25 सेंटीमीटर 160 रुपया। बी नंबर में 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को लेंगे, 39 अनुपात 65 लिख दिए हैं और 39/65 किए, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 13 से, 13 3 39 13 5 65। तो 3/5 को हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, 3/5 और 6/10, यानी ये दोनों को लिए हैं तो 6/10। तो इसको हम करते हैं 2 2 3 6 2 5 10, 3/5 3/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों भी बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूंकि 3/5 5/3/5, अतः दिए गए अनुपात समानुपात बनाते हैं। तो ये तो हम जान गए, अब हमें क्या लिखना है इसका मध्य पद और चरम पद। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा 35 और 6, चरम पद हो जाएगा 39 और 10। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं मध्य पद 35 लीटर 6 बोतल, चरम पद 39 लीटर 10 बोतल। सी नंबर में है 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 6 ग्राम। तो ये सब भी ग्राम, ये किलोग्राम है तो ये भी केजी में है, ये ग्राम में, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 अनुपात 80 लिख दिए हैं, 2/80, तो इसको अब डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 2 ही से, 2 एकम 2 40 दुना 80, तो 1/40 1:40। और दूसरा क्या है, 25 और 625, तो 25/625, 25/625। तो इसको डिवाइड करते हैं 25 एकम 25 और 25 का टेबल में 625 जो है वो 25 बार में आता है, तो 1:25। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि 1:40 जो है वो बराबर नहीं, 1:25 ये बराबर नहीं का साइन है, इज़ नॉट इक्वल टू इसे बोलते हैं। तो अतः दिए गए अनुपात समानुपात नहीं बनाते हैं, तो ये समानुपात नहीं बनाते हैं, तो इसका जो है हमें मध्य पद और चरम पद लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जो समानुपात बनाते हैं उन्हीं का हमें लिखना है। डी नंबर में है 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपया अनुपात 50 रुपया। तो इसे भी पहले हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो इसे भी हमें चेंज करना है, यानी 2.5 लीटर को हमें क्या करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2.5 लीटर है यहाँ पे, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से गुना करना है। ये आपको याद रखना है कि जब भी कहीं लीटर दिया रहे और आपको कहा जाए उसे मिलीलीटर में चेंज करना, तो आप क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा। तो 2.5 को हम 1000 से गुना किए तो आया, इतना आया 25000 मिलीलीटर आया। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम इधर से एक अंक लेंगे, यानी यहाँ बैठाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2500, यानी ये पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं है, 2500 मिलीलीटर हो गया। तो अब हमें क्या कर सकते हैं, हम 200 अनुपात 2500 लिखे हैं, 2500 हम 2.5 को 2500 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2.5 जो था वो लीटर में था, तो उसको मिलीलीटर में चेंज करने पे 2500 आया है, तो इसीलिए हम लिखे हैं। तो 200/2500, तो यहाँ 0 0 कट गया, 2/25 मतलब कि 2:25। और नेक्स्ट है 4 रुपया 50 रुपया, तो 4:50, 4/50, 2 2 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 2 50, तो 2:25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो 2:25 बराबर 2:25, तो अतः दिए गए अनुपात समानुपात बनाते हैं। तो अब हम लिखे इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा इसका 2.5 और 4 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2.5 लीटर 4 रुपया और चरम पद हो जाएगा 200 मिलीलीटर 50 रुपया, यानी 200 मिलीलीटर ये वाला, 50 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, समानुपाती के गुण का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरी जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 15:5 समानुपात -6, तो इन दोनों का तो आपको दिया गया है और इसका आपको पता करना है, यानी आपको यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है कि अगर हम उसको डिवाइड करें, यानी इसका अगर अनुपात निकले, तो ये दोनों का अनुपात जो है बराबर आना चाहिए। तो इसे मैं सॉल्व की हूँ, आपको क्या करना है ये मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊँ, ये तरीका जो है बहुत ही आप लोगों को ईजी होगा। जैसे 15:5 है, तो इसको हम 15/5 लिख सकते हैं बराबर, और यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया गया, यहाँ पे यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम ए मान लिए, यहाँ पे हम ए मान लिए, यहाँ पे आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं या और भी कुछ मान सकते हैं, तो हम ए मान लिए, ए ऊपर लिखें क्योंकि इसके इसके बाद ये है, तो इसीलिए 6 नीचे लिखें, यानी 15/5 बराबर 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, 15/5 को हम ए से गुना करेंगे, इस टाइप से गुना के अगर बराबर रहे और इस टाइप से दिया रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 को ए से गुना करेंगे तो 5 ए होगा, 15 को 6 से गुना करेंगे तो 15 गुना 6,
अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 15 × 6/5, ये 5 जो है गुना में है, इधर आ गया तो बटे में यानी भाग में आ गया। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 3 है और 6 है, 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है आपको 18 लिखना है। आप इस टाइप से बना सकते हैं या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, मैं विधि आप लोगों को और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है कितना है, 15 × 5, 15 × 5, तो इसका अगर आप अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15/5 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी नीचे 1 आया है ऊपर आया है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 बराबर 3:1, तो इसका निकला 3:1। अब हमें क्या करना है, ये है और ये है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बट्टे दे देंगे, 6 जो है ये क्या आएगा, नीचे आएगा, ये आपको नीचे आएगा, क्योंकि और आपको अब कुछ ऊपर ऐसा संख्या अंक ढूंढना है कि इसको अगर हम काटें तो 3:1 ही आना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम क्या लिखें। तो अगर हम यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे हम 18 लिख देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 × 6 = 18, तो देख सकते हैं आप इसका भी आया है 3/1, मतलब कि 3:1। इसमें जो है आपको कुछ अंक जो है वो सोचना पड़ेगा, आप इस टाइप से बना सकते हैं, और अगर आप इस टाइप से बनाएंगे तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। 2 नंबर में है, 22:10 = 11:11, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो इसे हम ए माने थे, तो इसको हम बी मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये बी है, तो इसी का हमें अंक यानी ज्ञात करना है। तो 22:10 को हम क्या लिख सकते हैं, 22/10 बराबर 11/B। 11 हम ऊपर क्यों लिखें, क्योंकि पहले 11 है और यहाँ खाली जगह पर स्थान पर हम बी लिख दिए हैं। अब हम वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 को 20 से गुना करेंगे तो 22 B हो जाएगा और 10 × 11 कर दिए। फिर B को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, अलग करेंगे तभी तो B का मान निकलेगा जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 × 11 और 22 जो है यहाँ पर आ गया है, इसको हम डिवाइड करते हैं, 11 × 11 = 11, 11 × 2 = 22, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो बी का मान कितना आया, 5 आया, तो यहाँ पे हमें 5 लिख देना है। 3 नंबर में है, 12:96 = 96:36, तो इसको भी, इसको हम ए सेकंड को बी और इसको हम सी मान लेते हैं, तो 6/12 कर दिए, ये सी है, 6/12 बराबर 96/36 लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम 36 को सी से गुणा करेंगे, तो 36 सी हो गया, 12 को 96, तो 12 × 96, फिर वैसे ही करेंगे, सी 12 × 96, 36 यहाँ बट्टे में आ गया, तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 32 बार में, यानी 3 का टेबल में 96 जो है 32 बार में आता है, 32 × 96 होता है, तो 32 आया, तो यहाँ पे जो है आपको 32 लिखना है। अगर आप इसको 32/12 करके और 96/36 करके अगर आप उसको विभाजित करेंगे तो दोनों का अनुपात जो है वो सेम ही आएगा। 4 नंबर में है, 19:95 = 5, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम डी मान लेते हैं, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम क्या किया, 19/95 इसको कर दिए हैं और 5/D, 5 ऊपर लिखे हैं क्योंकि 5 पहले हैं और डी बाद में है। तो अब हम क्या करेंगे, 19 को डी से गुना करेंगे, 19D, फिर 95 × 5, फिर डी बराबर 95 × 5/19, इसको हम डिवाइड करते हैं, 19 × 1 = 19, 19 × 5 = 95, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, तो इस स्थान पे आपको लिखना है 25। 5 नंबर में हम 12:10 = 14:21, तो इसको किए हैं 12/E, इसको हम ई मान लिए हैं, तो 12/E लिखेंगे बराबर 14/21, इसको भी वैसे गुना किए हैं, 14 को ई से करेंगे, 14 E बराबर 12×21, तो ई बराबर 12×21/14, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7×2 = 14 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, फिर 2×1 = 2, 2×6 = 12, तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 × 3 = 18, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको वो 18 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 है। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510, ये 510 लिखा हुआ है, 510 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, छात्राओं की संख्या मतलब कि लड़कियों की संख्या कितना है, और छात्र और छात्राओं मतलब कि टोटल स्टूडेंट जो है 510 है, और छात्र छात्राओं का अनुपात कितना है, 2:1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे,
इन दोनों को जोड़ने के बाद छात्राओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र का अनुपात जो है वो 2 है और छात्राओं का 1 है, तो 1/3 हम कर देंगे। तो देखिए अनुपातों का योग 2 + 1 = 3, यानी इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं। फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है, तो इसमें बस छात्राओं की संख्या पूछ रहा है, छात्र की संख्या नहीं पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वही हमें निकालना है। तो छात्राओं की संख्या बराबर 510 × 1/3, 510 क्या है जो हम जोड़ के लिखे हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो है। और 1 हम क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है छात्रा की संख्या पूछ रहा है, और पहले छात्र तब छात्रा है यहाँ पर, और यहाँ भी ये यानी कि 2 छात्र का है और 1 छात्रा का है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखे हैं। तो 1/3, और 3 क्या है, 3 यानी कि अनुपातों का योग है, इन दोनों को जोड़ के 3 आया है। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3, 17 × 3 = 91, 10 बज गए यहाँ लिख दिए। तो 170 को 1 से गुना करेंगे, 170 हो जाएगा, यानी कि छात्राओं की संख्या जो है कक्षा में 170 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। यदि परिवार की आय 6,000 रुपया है तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा। यहाँ पे परिवार का आमदनी जो है, यानी उसको आमदनी कितना होता है, 6,000 रुपया, और जाके उसका पूछ रहा व्यय, मतलब कि उसका खर्च कितना है। चलिए हम इसे देखते हैं, दिया गया है परिवार की आय बराबर 6,000, आय और व्यय का अनुपात यानी आमदनी और खर्च का अनुपात जो है वो है 6:4, जो परिवार की मासिक व्यय यानी एक महीना में जो है परिवार का व्यय कितना है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 6,000/6 कर देंगे। 4 हम क्यों किए हैं यहाँ पे, 4 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, आय और व्यय, तो ये तो आय का हो गया है, ये 6 आय का है और 4 व्यय का है, इसमें क्या पूछ रहा है, व्यय पूछ रहा है, तो इसीलिए हम 4 गुना किए हैं। और 6,000 क्या है, परिवार की आय है, और 6/6 कर दिए हैं, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 × 1 = 6, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ होगा 1,000, यानी 1,000 × 6 = 6,000 होता है, तो ये कट गया। आप 1,000 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4,000, यानी परिवार का मासिक व्यय जो है वो है 4,000, यानी कि परिवार यानी कि उसमें उसकी आमदनी कितना है, 6,000 रुपया आमदनी है, और उसमें खर्च उसका कितना है, 4,000 रुपया उसका मासिक व्यय यानी एक महीना का खर्च है।